नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम अग्रवाल एक बार फिर सत्यादी शर्मा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों सेल बायोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बायोलॉजी को समझने के लिए इस टॉपिक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइएगा। कुछ ही मिनट का विलंब हुआ है, नहीं छुट्टी नहीं है विशाल चौहान जी, बिल्कुल क्लास आज आपकी क्लास रहेगी। बिल्कुल आ गया हूं मैं भैया, सभी का स्वागत है, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री राम। जल्दी से सभी पधारिएगा। फिर आज एक बहुत नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और बहुत ही मजा आज के टॉपिक में आप सभी को आने वाला है। बहुत छोटी छोटी चीजें आपको सीखने को आज के टॉपिक में मिलने वाली हैं, बहुत सी नई चीजें आप दोस्तों आज सीखकर यहां से जाएंगे। बिल्कुल आ जाइएगा। जय हिंद, सभी का स्वागत है। आशाराम जी, नरेंद्र मोदी जी भी आ चुके हैं, नामिका जी, तीमू जी, हरिओम जी, पवन जी, मंजू लाल जी, राकेश जी, अलीराजपुर जी, पवन जी, एकलव्य जी, सुनील जी, गीता जी, सभी लोग आ जाइएगा। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। जल्दी से आएंगे दोस्तों, पधारेंगे, फिर आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आज का है। हाँ, कुछ कारण से एक दो मिनट का विलंब हुआ है, पांच दस मिनट का विलंब हुआ है, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइएगा दोस्तों, जल्दी से जुड़े। हेलो हेलो, जय हिंद। बिल्कुल बेटा, फिजिक्स भी स्टार्ट की जाएगी जल्दी ही, फिजिक्स भी स्टार्ट हम करेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, पहले बायोलॉजी को ठीक से पढ़ते चलें, इसे समझते चलें। बायोलॉजी जब आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को बीच में यदि मैं रोकता हूं तो बायोलॉजी भी रह जाएगा, फिजिक्स भी रह जाएगा। इसलिए दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लेने से हमारा काम हो जाएगा। आज बहुत आराम से हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से पढ़ाएंगे। कोई लोड नहीं लेना है, सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो, बहुत अच्छे से हम चीजों को हैंडल कर लेंगे। जय जय श्री राम। यस सर, स्टार्ट करो। बिल्कुल जी, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक होने वाला है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान। आप सभी लोगों ने इसके बारे में बहुत सुन रखा होगा, बहुत अच्छे से आप सभी लोग सेल बायोलॉजी से, कोशिका से परिचित हैं। जरा ध्यान से दोस्तों सुनिएगा, यदि मैं आपसे कहूं आपने दोस्तों इस पृथ्वी पर विद्यमान छोटे से छोटा जीव, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, चाहे दोस्तों मैं बैक्टीरिया की बात करूं, चाहे मैं ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नील हरित शैवाल की बात कर लूं, चाहे दोस्तों मैं फंगई की बात कर लूं, चाहे दोस्तों दीजिएगा मैं अमीबा की बात कर लूं, चाहे मैं पैरामीशियम की बात कर लूं, चाहे दोस्तों मैं चींटी की बात करूं, चाहे दोस्तों मैं गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी और ब्लू व्हेल, इस दुनिया में व्याप्त छोटे से छोटा जीव और इस दुनिया में व्याप्त विशाल से विशाल जीव की यदि दोस्तों मैं चर्चा करूं, सभी का जिक्र करूं, तो सभी में एक समानता है। सभी का आकार भिन्न भिन्न है, सभी के गुण भिन्न भिन्न है, सभी के दोस्तों सभी के शरीर की संरचनाएं भिन्न भिन्न है, सब कुछ भिन्न भिन्न होते हुए भी उनके शरीर में कुछ समानता है और उसी समानता का नाम दोस्तों, उसी समानता का नाम क्या है दोस्तों, सेल है। वही क्या है, कोशिका है। अर्थात आसान शब्दों में यदि मैं कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि इस दुनिया में व्याप्त कोई भी जीव हो, उसकी संरचना, उसके शरीर का निर्माण आखिरकार हुआ ही किस चीज से है, तो दोस्तों कोशिका से हुआ है, अर्थात सेल से हुआ है। इस दुनिया में व्याप्त जितना भी जीवन है, इस दुनिया में व्याप्त जितना भी जीवन है, जो भी लाइफ इस दुनिया में व्याप्त है, सभी की रचना, सभी के शरीर की कार्यात्मक इकाई दोस्तों क्या है, कोशिका है। Is that clear? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे। हाँ, रसायन भी पढ़ेंगे, बिल्कुल आश्रम सोगलंकी जी, केमिस्ट्री भी पढ़ी जाएगी, डोंट वरी, तीनों सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी है, अपन पढ़ेंगे। पहले आज के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। जय जय हनुमान जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, जय जय हनुमान। वर्दी का आशिक जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ बहुत बेसिक चीजों से चर्चा करते हैं। आपने कभी विचार किया कि आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, आपका शरीर बना कैसे है? जरा ध्यान से दोस्तों बोर्ड पर देखेंगे। दोस्तों आप जैव मंडल में रहते हैं, जैव मंडल का दोस्तों मतलब होता है कि जीवन की सबसे बड़ी इकाई। आप किस चीज के अंदर रहते हैं, जैव मंडल के अंदर रहते हैं दोस्तों। जरा ध्यान से बात को समझेंगे, समझते हुए चलेंगे। अब जरा ध्यान से फोकस करेंगे बोर्ड पर। दोस्तों
हमारा शरीर, जैसे मैं एक जीव हूं दोस्तों, जैसे गाय एक जीव है, हाथी एक जीव है, चींटी जो बहुत छोटी आकार में होती है उसमें भी कई असंख्य कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। चींटी भी एक अपने आप में जीव है दोस्तों, अमीबा भी एक जीव है, पैरामेशियम भी एक जीव है, बैक्टीरिया भी दोस्तों अपने आप में एक जीव होता है, कवक भी अपने आप में एक जीव होता है। दोस्तों सभी जीवों की रचना किस चीज से होती है? कोशिका से होती है। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा, जैसे यदि मैं मानूं मेरे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, मैं एक दोस्तों क्या हूं? जीव हूं। मनुष्य अपने आप में एक क्या है? जीव है। इस जीव का निर्माण दोस्तों कैसे हुआ है? अगर आप अपने शरीर पर गौर करें तो आप पाएंगे कि आपके शरीर की रचना कई सारे अंग तंत्रों के मिलने से हुई है। कैसे दोस्तों? जैसे कि आपने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जैसे आपने पढ़ा श्वसन तंत्र, जैसे आपने पढ़ा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे दोस्तों आप पढ़ते हो स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, तो कई सारे तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। बात आती है कि ये तंत्र कैसे बनते हैं, तो कई सारे अंग जब आपस में मिलते हैं, जब अंगों का समूह बनता है, जब अंग आपस में मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर ये अंगों का निर्माण कैसे होता है, अंग आखिरकार बने कैसे? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अंगों का निर्माण होता है टिश्यू से। किससे होता है? ऊतक से। जब कई सारे ऊतक आपस में मिलते हैं तो वो किस चीज का निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। फिर एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया कि सर, इस टिश्यू का निर्माण कैसे होता है? मैंने बच्चे को उत्तर दिया कि बेटा टिश्यू का निर्माण होता है कोशिकाओं से मिलकर। कहने का सीधा सीधा सा है, जब कई सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। जब कई सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। जब कई सारे अंग एक साथ करते कार्य करते हैं तो उसे अंग तंत्र कहते हैं, और अंग तंत्रों का समूह क्या होता है? एक जीव होता है। लेकिन दोस्तों कहानी यहां तक सीमित नहीं है। जब एक जीव का निर्माण हो जाता है तो कई सारे जीव आपस में मिलकर जनसंख्या का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप अपने आप में एक जीव हैं, अगर आप जैसे 50 जीव आ जाए, एक कक्षा में यदि 50 विद्यार्थी में बिठा दूं तो वो क्या बन जाएगी? जनसंख्या। तो दोस्तों जब जीव आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जनसंख्या बनाते हैं, अर्थात पॉपुलेशन बनाते हैं। और जब कई सारी पॉपुलेशन आपस में मिलती है, कई विभिन्न विभिन्न प्रकार की जनसंख्याएं आपस में मिलती है, तो दोस्तों एक समुदाय, एक कम्युनिटी का निर्माण करती है। अब बात आती है कि जब डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट अलग अलग समुदाय जब आकर आपस में मिलते हैं तो एक पूरे परितंत्र का निर्माण करते हैं, अर्थात समुदाय का समूह, कम्युनिटी का ग्रुप क्या कहलाता है? इकोसिस्टम, अर्थात परितंत्र कहलाता है। दोस्तों जब कई सारे परितंत्र आपस में मिलते हैं, तो जीव मंडल का निर्माण होता है, जैव मंडल का निर्माण होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, किस चीज का निर्माण होता है? जैव मंडल का निर्माण होता है, जिसे मैं वायोस्फीयर कहता हूं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो जीवन की बृहद संरचना, जीवन की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी संरचना क्या है? बायोस्फीयर है। बात की जाए कि जीवन की सबसे छोटी संरचना क्या है? कोशिका। आप देख पा रहे हो कि दोस्तों मैं एक जीव हूं, इस जीव का निर्माण, दोस्तों आप ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, मैं एक जीव हूं, इस जीव का निर्माण आखिरकार हुआ ही किससे है? कोशिका से हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे छोटी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट आप देख ही पा रहे हो क्या होती है? कोशिका। ऐसा नहीं है कि कोशिका से छोटी कोई चीज नहीं है, कोशिका से छोटी भी कई सारी चीजें हैं। कोशिका के अंदर, ये मान लीजिए अपने आप में एक सेल है, कोशिका के अंदर भी कई सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें जीवन की इकाई नहीं कहा जाता। जब भी जीवन की इकाई की चर्चा होती है तो दोस्तों कोशिका को कहा जाता है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई किसे कहेंगे? कोशिका को कहेंगे। वो बात अलग है कि कोशिका के अंदर कई सारी चीजें पाई जाती हैं। दोस्तों आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ? कोशिका से। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप अपने घर में रहते हैं, मान लीजिए कि आपका शरीर आपका घर है, तो आपका घर किन चीजों से मिलकर बना है? कमरे से। तो आपके शरीर के जो अंग हैं वो क्या हो गए? आपके घर के कमरे हो गए। आपके घर के कमरे किस चीज से मिलकर बने हैं? तो आपके घर के कमरे बने हैं दोस्तों दीवारों से मिलकर। मान लीजिए टिश्यू क्या हो गए? दीवार हो गए। और आपके घर की दीवार किस चीज से बनी है? तो आपके घर की दीवार बनी है
ईंट से अर्थात ब्रिक से। तो जैसे घर की सबसे छोटी इकाई ईंट है, वैसे ही हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। और जीवन की बृहदतम इकाई दोस्तों क्या होती है? बायोस्फीयर होती है। क्या होती है? बायोस्फीयर। इज दैट क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए ऑल राइट, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कुछ अन्य चीजों पर चर्चा करते हैं, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। हम आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइंस को पढ़ने के 4 स्टेप्स हमारे पास हैं। 4 स्टेप को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, सामान्य विज्ञान का अध्ययन करते हैं। वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? हम सब्जेक्ट को या टॉपिक को फैक्चुअली भी पढ़ते हैं, अर्थात उस टॉपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट हमें पता होना चाहिए। हम उस सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली भी पढ़ते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ व्यवहारिक बातें भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल आज के सिनेरियो में क्वेश्चन बहुत व्यवहारिक बातों से पूछ लिया जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें उस टॉपिक की प्रैक्टिस भी करना है। चौथा स्टेप होता है उस टॉपिक की क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। दिख नहीं रहा है, जरा ध्यान से देखें दोस्तों, अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाएं, अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको क्लियरली दिखना चालू होगा दोस्तों। अब जरा ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, सबसे पहले बात आती है कोशिका की खोज किसने हुई। तो कुछ कंसेप्ट पर आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट पर चर्चा करते हैं, और जिन फैक्टों पर मैं चर्चा करने वाला हूं इनसे बहुत लगातार कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका विज्ञान का पिता कैसे कहते हैं, जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक जीव, प्रत्येक सजीव, चाहे दोस्तों वो प्लांट हो, चाहे वो क्या हो, एनिमल हो, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, सभी की रचना किससे हुई है? कोशिका से हुई है। तो बात आती है कोशिका की खोज किसने की, तो जरा ध्यान से दोस्तों देखेंगे बोर्ड पर। अब हम चर्चा करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, अर्थात कोशिका की खोज की चर्चा हम करने वाले हैं। कोशिका के खोज की दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो जब भी कोशिका की खोज की चर्चा होती है तो दो वैज्ञानिकों का नाम निकल के आता है। एक विज्ञानी दोस्तों है रॉबर्ट हुक, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, शॉर्ट में इन्हें ल्यूवेनहॉक कहा जाता है। जरा ध्यान से दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले कोशिका के बारे में 1665, जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, 1665 AD में, 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क का टुकड़ा लिया। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये कॉर्क का टुकड़ा क्या है? तो दोस्तों कॉर्क एक प्रकार की लकड़ी होती है। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो क्यूरकस नामक वृक्ष से प्राप्त होने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। इस कॉर्क को दोस्तों आपने देखा होगा कि जो इत्र की शीशी आती है उसकी जो टोटी बनाई जाती है वो किस चीज की होती है? कॉर्क की होती है। शैंपेन और बियर्स वगैरह की बोतल का जो ढक्कन बनाया जाता है वो किस चीज का होता है? कॉर्क लकड़ी का ही होता है। किस वृक्ष से प्राप्त होता है? क्यूरकस नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। तो क्यूरकस वृक्ष की लकड़ी जिसका नाम था कॉर्क, 1665 में रॉबर्ट हुक ने इस कॉर्क को माइक्रोस्कोप से देखा। जब इन्होंने उस कॉर्क को माइक्रोस्कोप से देखा तो कुछ इस तरीके की संरचनाएं उन्हें दिखाई दी। जरा ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे, कुछ इस तरीके की संरचनाएं रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से देखी। जब रॉबर्ट हुक ने इस कॉर्क की लकड़ी को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि इस कॉर्क में छोटे छोटे रूम उन्हें दिखाई दिए, लिटिल रूम उन्हें दिखाई दिए। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की लकड़ी में छोटे छोटे रूम देखे, और बाद में रॉबर्ट हुक ने इन्हीं लिटिल रूम को, इन्हीं छोटे छोटे कमरों को क्या कहा? कोशिका नाम दिया। तो दोस्तों कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका का शाब्दिक अर्थ बताइए, कि कोशिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोर्ड पर वर्ड गायब है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, एक बार चेक करें, जरा टेक्निकल टीम से आग्रह एक बार चेक करिएगा।
बोर्ड पर वर्ड गायब है सर, बिल्कुल चेक करवा लेते हैं, परेशान ना हो संदीप जी, चेक करिए एक बार जरा, सब कुछ क्लियर है। अपने मोबाइल की थोड़ी सी क्वालिटी राइज करें भैया राजपूत जी, अपने मोबाइल की थोड़ी सी क्वालिटी राइज करिएगा, सुपर सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए तो दोस्तों कॉर्क की टुकड़ी का इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया तो इन्होंने पाया, अच्छा कुछ विजन में दिक्कत है, अच्छा चलिए कुछ लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, एक बार जरा विजन सुधारें फ्लैश को थोड़ा सा, चिंता ना करिएगा सब कुछ आपको दिखेगा, ओके दिख रहा है, चिंता ना करें सब कुछ आपको दिखेगा, क्लियर दिखेगा, अब आपको क्लियर दिखना चालू हो गया है एग्जैक्टली। चलो दोस्तों टेंशन ना लें, आप फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे तो आप फिर से ले सकते हैं, यहां से हमने टॉपिक की शुरुआत की थी, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब दोस्तों यहां हम समझ रहे थे, अब पूरा फोकस अपना समझने पर करेंगे, क्लियर दिख रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली क्लियर दिखना चालू हो चुका है। सभी स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि सर अब ठीक है, अब क्लियर दिखना चालू हो गया है, तो कोई इश्यू नहीं है, चलिए हम चालू करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी लोग क्लियर देख पा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने, ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक लकड़ी ली, किस वृक्ष की लकड़ी ली, क्यूरकस वृक्ष की लकड़ी ली, जिसका नाम क्या था, कॉर्क था, कॉर्क की लकड़ी को जब उन्होंने देखा तो कुछ इस तरीके की छोटी छोटी संरचनाएं उन्हें दिखाई दी, इस छोटी संरचना को दोस्तों उन्होंने इस छोटे छोटे रूम के आकार की, छोटे छोटे कमरे के आकार की संरचना को रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा और इसी संरचना को उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया, अर्थात सेल नाम दिया। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो कोशिका का शाब्दिक अर्थ होता है लिटिल रूम्स, अर्थात छोटे छोटे कमरे। लेकिन दोस्तों रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो अपने आप में एक लकड़ी की कोशिका थी, अर्थात अपने आप में मृत कोशिका थी। तो दोस्तों कोशिका, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की वो अपने आप में मृत कोशिका थी, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो मृत कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने की थी। क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया, वो बात अलग है कि उन्होंने मृत कोशिका के बारे में बताया, लेकिन सबसे पहले कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने ही बताया, इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, रॉबर्ट हुक इज नोन एज फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, रॉबर्ट हुक को ही कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। दोस्तों आगे चलकर एक और साइंटिस्ट आए 1674 में, एंटोनी वॉन ल्यूबेनहॉक, साइंटिस्ट का नाम क्या था, एंटोनी वॉन ल्यूबेनहॉक, शॉर्ट में दोस्तों इन्हें ल्यूबेनहॉक कह दिया जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तालाब का जल लिया, एक पॉन्ड का वॉटर इन्होंने कलेक्ट किया और माइक्रोस्कोप से इन्होंने इसे देखा। एंटोनी वॉन ल्यूबेनहॉक ने दोस्तों तालाब का जल लिया और तालाब के जल में दोस्तों उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो कुछ जीवित संरचनाएं इन्हें दिखाई दी। इन्होंने दोस्तों क्या किया, उस तालाब के जल में कुछ जीवित कोशिकाओं को देखा। प्रश्न बनता है कि ल्यूबेनहॉक ने किस जीव की जीवित कोशिकाओं को देखा था, तो 1674 में ल्यूबेनहॉक ने जिस जीवित जीव की कोशिकाओं को देखा उसका नाम दोस्तों क्या था, बैक्टीरिया, अर्थात ल्यूबेनहॉक ने बैक्टीरिया की कोशिकाओं को देखा। दोस्तों क्योंकि बैक्टीरिया अपने आप में जीव है, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो अगर आपसे प्रश्न बनाए जीवित कोशिका की खोज किसने की तो उत्तर क्या है, ल्यूबेनहॉक। अगर प्रश्न बनाए कि मृत कोशिका की खोज किसने की तो उत्तर है रॉबर्ट हुक। अगर प्रश्न बनाए कोशिका की खोज किसने की तब भी उत्तर क्या होगा, रॉबर्ट हुक होगा। दोस्तों रॉबर्ट हुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने स्पर्म की खोज भी की थी, स्पर्म की खोज भी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। इज दैट क्लियर। तो कोशिका की खोज की जब चर्चा होती है तो दो साइंटिस्ट का नाम निकल के आता है, पहले का नाम है रॉबर्ट हुक, दूसरे का नाम है एंटोनी वॉन ल्यूबेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने डेड कोशिका की खोज की और एंटोनी वॉन ल्यूबेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। एक बार स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अब जरा ध्यान से देखिएगा कोशिका वाला जो हमारा चैप्टर है, अब जरा ध्यान से सुनना चालू करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनते हैं। जो सेल बायोलॉजी वाला हमारा चैप्टर है यहां से बहुत ज्यादा फैक्चुअल प्रश्न निकल के आते हैं, बहुत छोटे छोटे फैक्ट निकल के आते हैं। आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल भैया बहुत बहुत आशीर्वाद सुभाषीष, सुभाषीष उषा ठाकुर जी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुबेनॉग, वेरी गुड बेटा। मनीषा जी सर वापस क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा, आप क्लियर तो है, सब कुछ तो क्लियर दिख रहा है। अब रॉबर्ट होक इज द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, तनमन बागे जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्लास को बढ़ाते हैं, जरा ध्यान से मुझे सुनिएगा। इस वाले चैप्टर से बहुत सारे फैक्चुअल प्रश्न निकल के सामने आते हैं। कौन कौन से फैक्चुअल प्रश्न निकल के आते हैं जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके मुझे बताएंगे कि डीएनए की खोज किसने की थी। जल्दी से सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताइएगा डीएनए की खोज किसने की थी, जल्दी से मुझे बताएं। तब तक दोस्तों लाइक ठोक दो भैया, बिल्कुल भैया लाइक ठोकते चलेंगे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद। आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा क्लियर है सर, बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि डीएनए की खोज किसने की थी। फिर आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आप जरा देखिएगा आपकी आंखों के सामने से पर्दा कैसे मैं हटाने वाला हूं आज की क्लास में, बहुत कुछ व्यवहारिक बातें आपको सीखने को मिलेंगी। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं हु डिस्कवर्ड डीएनए, कमेंट आना चालू हुए। कुछ लोग बोल रहे हैं वॉटसन ने की थी, कुछ लोग बोल रहे हैं वॉटसन एंड क्रिक ने की थी, बहुत बढ़िया बेटा। जल्दी से कमेंट करके बताएं हु डिस्कवर्ड डीएनए, डीएनए की खोज किसने की थी। कुछ बोल रहे हैं ल्यूवेन हॉक ने की थी, कुछ बोल रहे हैं मेंडल ने की थी, बहुत से लोग बोल रहे हैं वॉटसन और क्रिक ने की थी, जेम्स वॉटसन और क्रिक ने की थी। अभी तक दोस्तों सही उत्तर नहीं आ रहा है, वॉटसन क्रिक, वॉटसन क्रिक, वॉटसन क्रिक, वॉटसन क्रिक, वॉटसन क्रिक, एसएससी दिया है वॉटसन क्रिक, सीजीएल वॉटसन क्रिक, पीबी देने जा रहे हैं वॉटसन क्रिक। लेकिन अगर यूपीएससी कोई अच्छा एग्जाम देने जाएंगे वहां पर आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अब बोल रहा है बच्चा सर क्या बात कर दी, बचपन से तो मैं वॉटसन क्रिक पढ़ते आया हूं, डीएनए की खोज वॉटसन क्रिक ने की, तो वॉटसन क्रिक ने डीएनए की खोज की है या नहीं की है, बहुत सस्पेंस वाला क्वेश्चन दोस्तों है। अभी थोड़ी देर में इस चीज पर चर्चा होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी दो। हाँ अब दोस्तों सही उत्तर आना चालू हुआ है, फ्रेडरिक मिशर, वेरी गुड, शाबाश बेटा अब सही उत्तर आना चालू हुआ है, फ्रेडरिक मिशर, रेखा चौहान जी वेरी गुड, फ्रेडरिक मिशर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया हुआ है। अभी मैं बताऊंगा कि कब आपको फ्रेडरिक मिशर आंसर लगाना है, कब वॉटसन क्रिक आंसर लगाना है और कब वॉटसन क्रिक आंसर नहीं लगाना है। आप सोचते हैं कि सर मैं तो पढ़ के गया था वॉटसन क्रिक, बहुत सारी किताबों में लगा के भी आया, फिर भी आयोग ने मेरा एक नंबर क्यों काट लिया, तो अभी आपको पता लगेगा कब वॉटसन क्रिक की ओर हमें जाना है, कब फ्रेडरिक मिशर हमें आंसर लगाना है। तो जरा ध्यान से सुने दोस्तों, जो कोशिका होती है कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, लेकिन इस कोशिका के अंदर भी कई सारी संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं की चर्चा हम धीरे धीरे करेंगे। जैसे कोशिका के अंदर न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक होता है, कोशिका के अंदर गोल्जी बॉडी अर्थात गोल्जीकाय होता है, कोशिका के अंदर दोस्तों लाइसोसोम होता है, कोशिका के अंदर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इन सभी की चर्चा होगी। अभी ये सारे नाम आपको बहुत नए लग रहे हैं, इन सभी की चर्चा होगी, लेकिन जरा ध्यान से सुने, कुछ फैक्चुअल प्रश्न वो बनाता है, उन फैक्चुअल प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कौन कौन से फैक्चुअल प्रश्न बनाता है जरा ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर देखेंगे जरा से, कुछ बहुत अच्छी चीज आपको मैं समझाने वाला हूं, ध्यान से बोर्ड पर सभी लोग देखेंगे केंद्रित करेंगे। इतना तो आप जान ही चुके हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जो है वो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। आप ये भी जान चुके हैं कि सभी सजीव किस चीज के बने हैं, कोशिका से बने हैं। दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है, अर्थात कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान हम कहते हैं। अब जरा ध्यान से बोर्ड पर देखें, एक इमेज एक पिक्चर आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, मान के चलिए एक कोशिका की संरचना है, कोशिका की संरचना मैंने बोर्ड पर बनाई है, जरा ध्यान से सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। इस कोशिका के अंदर दोस्तों आप क्या देख पा रहे हो, एक संरचना देख पा रहे हो जिसे मैं क्या कहता हूं, न्यूक्लियस। प्रश्न बनाता है कोशिका के न्यूक्लियस कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब दोस्तों इस न्यूक्लियस को मैंने जूम करके, इस न्यूक्लियस को मैंने जूम करके दोस्तों यहां पर बना दिया है, तो दोस्तों आप जरा ध्यान से देख पाइएगा, जब इस न्यूक्लियस को जूम करके मैंने यहां बनाया
तब आप देख पा रहे हो इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली संरचना को दोस्तों मैं क्या कहता हूं, क्रोमोसोम। अगर इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली संरचना को मैं बाहर निकाल के देखूं तो मैं पाऊंगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र। जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, कोशिका है। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी बिल्कुल परेशान ना हो, ये क्या है, कोशिका है। कोशिका के अंदर दोस्तों क्या होता है, केंद्रक होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, इस केंद्रक के अंदर बेटा पाया जाता है गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। अब दोस्तों यदि आप जरा ध्यान से देखें तो इस गुणसूत्र के अंदर भी कुछ संरचनाएं होती हैं। गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है, तो दोस्तों गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है डीएनए। ये जो संरचना आप देख पा रहे हो, इस संरचना का दोस्तों नाम क्या होता है, डीएनए। प्रश्न बनाएगा डीएनए कहां पाया जाता है, उत्तर है दोस्तों क्रोमोसोम में। गुणसूत्र में प्रश्न बनाएगा गुणसूत्र कहां होता है, उत्तर है दोस्तों केंद्रक में। प्रश्न बनाएगा केंद्रक कहां होता है, उत्तर है दोस्तों कोशिका में। तो कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है। दोस्तों इस डीएनए को मैं और जूम करके देखूं तो मुझे पता लगेगा कि इस डीएनए के अंदर सर जो मैं ये संरचनाएं देख पा रहा हूं, इन संरचनाओं को दोस्तों कहा जाता है जीन। अर्थात डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। जीन से छोटी कोई संरचना नहीं है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। अब दोस्तों कई बार वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने की, वो आपसे पूछेगा बताइए केंद्रक की खोज किसने की, बताइए गुणसूत्र की खोज किसने की, पूछेगा बताइए डीएनए की खोज किसने की, पूछेगा बताइए जीन की खोज किसने की। अगर बहुत आसान प्रश्न बनाना है तो यही पूछेगा कोशिका की खोज किसने की, और थोड़ा अच्छा प्रश्न बनाना है तो कोशिका के अंदर जाके केंद्र की खोज पूछेगा, गुणसूत्र की खोज पूछेगा, डीएनए की पूछेगा या जीन की पूछेगा, और इनके कार्य पूछेगा कि क्या क्या इनके कार्य हैं। तो इन्हीं चीज पर हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से बोर्ड पर देखें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलिए ले लिया होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अन्य चीजों पर समझते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सभी स्टूडेंट्स अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, बहुत मजेदार चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इतनी मजेदार दोस्तों चीजें हैं कि यहां से लगातार प्रश्न आता है, और प्रश्न बहुत बेसिक होने के बावजूद भी गलत हो जाता है, इसलिए केयरफुली ध्यान से समझेंगे। आपको टाइम दिया जाएगा स्क्रीनशॉट लेने का, पहले चीजों को समझने का प्रयास करें। जरा ध्यान से देखिएगा, आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जान चुके हैं जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। डियर स्टूडेंट्स इस कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस होता है। डियर स्टूडेंट्स इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम होता है। डियर स्टूडेंट्स इस क्रोमोसोम के अंदर भी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डियर स्टूडेंट्स इस डीएनए के अंदर भी क्या होता है, तो डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। अब दोस्तों आप इतना तो जान ही चुके हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, और जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने, और मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। और कुछ ना कहे तो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक। वो आपसे पूछेगा बताइए केंद्रक की खोज किसने की। अब बच्चा कहेगा सर मैं तो कोशिका की खोज पढ़ के गया था, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं कि केंद्रक की खोज किसने की। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ध्यान रखेंगे केंद्रक को किसने खोजा, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। केंद्रक के अंदर क्या है बेटा, केंद्रक के अंदर है गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम। प्रश्न पूछेगा गुणसूत्र की खोज किसने की, बेटा गुणसूत्र की खोज की वोल्टेयर ने। किसने की, वोल्टेयर, साइंटिस्ट का नाम था वोल्टेयर ने गुणसूत्र की खोज की। इस गुणसूत्र के अंदर क्या है, गुणसूत्र के अंदर है डीएनए। इस डीएनए को किसने खोजा, डीएनए की खोज की दोस्तों फ्रेडरिक मिसर ने। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों मुझे, अभी कुछ लोगों का दिमाग भन्ना रहा होगा कि सर मैंने तो वॉटसन क्रिक पढ़ा है, आप मुझे फ्रेडरिक मिसर बता रहे हो। ध्यान से सुनिए दोस्तों, बीपीएससी 2018 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 आपसे प्रश्न पूछता है कि डीएनए की खोज किसने की। विकल्प में वो देता है वॉटसन एंड क्रिक भी, और विकल्प में देता है फ्रेडरिक मिसर भी, लेकिन सही आंसर बताता है फ्रेडरिक मिसर को। ऐसा क्यों, जरा ध्यान से सुने दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि डीएनए की खोज किसने की, तब आपका उत्तर क्या होगा, फ्रेडरिक मिसर।
आपसे पूछे डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर होता है जीन, इस जीन की खोज किसने की, तो जीन की खोज दोस्तों की जोहानसन ने, जोहानसन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीन की खोज की। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर वॉटसन क्रिक हमें कब आंसर लगाना है, तो जरा ध्यान से मुझे सुने दोस्तों। एक्चुअल में अगर वास्तविक बात की जाए तो वास्तव में डीएनए की खोज वॉटसन और क्रिक ने नहीं की थी। डीएनए की खोज सबसे पहले डीएनए के बारे में फ्रेडरिक मिशर ने बताया था, लेकिन फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की संरचना नहीं बताई थी कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हां, इन्होंने इतना तो बताया कि हमारे गुणसूत्र के अंदर कुछ संरचना पाई जाती है, उसे डीएनए कहते हैं। हमारे गुणसूत्र के अंदर पाए जाने वाली संरचना को डीएनए कहा, किसने, फ्रेडरिक मिशर ने, अर्थात डीएनए के बारे में सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने बताया, लेकिन फ्रेडरिक मिशर डीएनए की संरचना नहीं बता पाए, संरचना बताने में असफल रहे। आगे चलकर वॉटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का दोस्तों नाम था, ध्यान से देखेंगे, एक साइंटिस्ट का नाम था वॉटसन और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था क्रिक। इन दोनों ने सामूहिक रूप से मिलकर डीएनए की संरचना के बारे में पता लगाया। इन्होंने कई सारे शोध किए, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और पता लगाया कि वास्तव में डीएनए की संरचना होती कैसे है। तो दोस्तों इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने पाया कि डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स, कुछ स्पाइरल टाइप का, कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को किसने बताया, ऐसा प्रश्न आएगा, तब उत्तर होगा वॉटसन क्रिक। प्रश्न बनाए कि डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को किसने बताया, तब हमारा उत्तर क्या होने वाला है, वॉटसन क्रिक होने वाला है। अब बच्चे ने मुझसे कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं है, हम तो कई सारे एग्जाम देके आए हैं जहां पर प्रश्न आया था डीएनए की खोज किसने की, और आयोग ने उत्तर भी क्या दिया था, वॉटसन क्रिक दिया था। ऐसा संभव है? अगर विकल्प में फ्रेडरिक मिशर नहीं दिया गया है तो आप डीएनए का खोजकर्ता वॉटसन क्रिक को मान सकते हो, क्योंकि वॉटसन क्रिक ने आखिरकार उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जिसके लिए इन दोनों को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन यदि फ्रेडरिक मिशर भी विकल्प में है, वॉटसन क्रिक भी विकल्प में है, तब आप फ्रेडरिक मिशर लगाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर फ्रेडरिक मिशर विकल्प में नहीं होता है तब हमारा उत्तर वॉटसन क्रिक जाता है, क्योंकि इन्होंने इसकी स्ट्रक्चर बताई थी। अगर प्रश्न बनाए कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया, विकल्प में फ्रेडरिक मिशर दे भी देगा, तब भी हमारा उत्तर क्या जाएगा, वॉटसन क्रिक जाएगा। इज दैट क्लियर? आप समझ पाए किस परिस्थिति में हमें क्या उत्तर करना है, क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य चीजों पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल बेटा, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आपको दिया जाएगा, ये सारा कंटेंट आप लोगों के लिए ही है, इससे मैं घर ले जाके कुछ नहीं करूंगा, आपको दिया जाएगा, बस थोड़ा सा पहले समझने का प्रयास करें। चलो तो दोस्तों हमने ये चीज देखी कि कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, उसके अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन है, किसकी खोज किसने की, हमने ये देख लिया। अब एक प्रश्न बनाता है कि बताइए इनके कार्य क्या है, तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो कि कोशिका सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका हमारे जीन की, हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। वो आपसे पूछेगा कि केंद्रक क्या है, कोशिका के अंदर केंद्रक जो पाया जाता है उसका क्या कार्य होता है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो कोशिका का नियंत्रक माना जाता है, कोशिका का नियंत्रक और प्रबंधक माना जाता है। कोशिका के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वही क्या है, न्यूक्लियस है। तो प्रश्न पूछेगा कि कोशिका का नियंत्रक और प्रबंधक किसे कहते हैं, उत्तर क्या होगा, केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस। प्रश्न बनाएगा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे हमारे शरीर में जो गुणसूत्र पाया जाता है ये अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हीकल होता है। प्रश्न बनाएगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हीकल कौन है, आप उत्तर लगा के आओगे जीन। ध्यान रखिएगा जीन अनुवांशिक गुणों का धारक है, जबकि अनुवांशिक गुणों का वाहक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुवांशिक गुणों को लेके जाने का कार्य किसका होता है, गुणसूत्र का, और अनुवांशिक गुणों को खुद में धारण करने का कार्य किसका होता है, जीन का। तो जरा ध्यान से दोस्तों बोर्ड पर सुने, जीन जो है ये अनुवांशिक गुणों का धारक है,
और क्रोमोसोम अनुवांशिक गुणों का वाहक है, दोनों में अंतर है, आप गलती करके आओगे। इसलिए ध्यान से प्रश्न को पढ़ना कि अनुवांशिक गुणों का धारक पूछा गया है या अनुवांशिक गुणों का वाहक पूछा गया है। इज दैट क्लियर? प्रश्न बनाता है कि डीएनए का क्या कार्य है, तो डीएनए हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देता है। किसे निर्देश देगा? डीएनए निर्देश देता है आरएनए को। डीएनए आरएनए को निर्देश देता है कि जाओ और प्रोटीन का निर्माण करो। तो हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण का निर्देश कौन देता है? डीएनए देता है। इज दैट क्लियर? तो सेल जो होती है ये सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है, केंद्रक कोशिका का प्रबंधक और नियंत्रक कहा जाता है, क्रोमोसोम अनुवांशिक गुणों का वाहक, डीएनए प्रोटीन संश्लेषण का निर्देश देता है, जो जीन होता है ये अनुवांशिक गुणों का धारक होता है। इज दैट क्लियर? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य चीजों पर अब हम चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलो अब जरा ध्यान से सुनो। सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनेंगे, आज की क्लास बहुत आराम से चलने वाली है, आराम से पढ़ते चलो, दिमाग पर बिल्कुल भी लोड मत लो, चीजों को क्लियर करते हुए हमें यहां से चलना है। चलो अब जरा ध्यान से सुनो, क्रोमोसोम ले जाता है नेक्स्ट जनरेशन तक, बिल्कुल डेफिनेटली। एकलव्य एकेडमी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, फ्रेडरिक मिशर ऑप्शन में दिया है और ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज भी दिया है, तो वॉटसन या क्रिक। बेटा अगर फ्रेडरिक मिशर ऑप्शन में दिया है और डीएनए की खोजकर्ता पूछ रहा है, तो अभी तक मैं इतनी देर से क्या चिल्ला रहा था बेटा? यही तो आपको बता रहा हूं किस सिचुएशन में आपको आंसर क्या लगाना है। जब बता रहा होता हूं तो आप क्या सुन रहे होते हैं बेटा? चलिए तो दोस्तों ध्यान से सुने, अब हम अपने टॉपिक को आगे ले जाते हैं। हाँ पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल बेटा, हम अपने टॉपिक को आगे ले जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस वाले चैप्टर से जो साइटोलॉजी, जो सेल बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, इस वाले चैप्टर से बहुत फैक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे एग्जाम में। आप अभी जेल डिपार्टमेंट का एग्जाम देने जाएंगे, पुलिस कांस्टेबल का देंगे, कुछ बच्चे आर्मी जीडी का एग्जाम देंगे, कुछ बच्चे आगामी दिनों में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देंगे, कुछ बच्चे स्टेट पीसीएस यूपीएससी का भी एग्जाम देंगे। तो दोस्तों बहुत फैक्चुअल प्रश्न यहां से बनते हैं। प्रश्न कैसे बनता है, जल्दी से मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते। सभी स्टूडेंट्स जो भी ध्यान से सुन रहे हैं, मैं सभी का नाम तो नहीं ले रहा हूं, जल्दी से मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, जल्दी से उत्तर दें, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? उत्तर बताएं फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा ही बनूंगा बिल्कुल देवेंद्र बघेल जी, डेफिनेटली बनेंगे, यही जो समय चाहिए। राजा जी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद राजा जी। कंचन जी यस, याशीष जी, आशीष वर्मा जी, दिलीप सिंह जी, सर आप बायोलॉजी पढ़ाने में मजा आता है, आपसे बायोलॉजी पढ़ने में मजा आता है, धन्यवाद भैया जी। अंडाणु कोशिका, अंडाणु कोशिका, तंत्रिका कोशिका, लीवर कोशिका, तंत्रिका कोशिका, लीवर कोशिका। बेटा लीवर इज नॉट अ सेल, लीवर इज अ ऑर्गन, यकृत कोई कोशिका नहीं है बेटा, यकृत खुद कोशिकाओं से मिलकर बना है। मैंने प्रश्न क्या पूछा, देखो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रश्न को ठीक से ना पढ़ने की वजह से गलती कर देते हैं। दोस्तों मैंने पूछा है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मैंने ये नहीं पूछा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है या सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों मैंने पूछा है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर शुतुरमुर्ग का अंडा, तो बेटा देखो कुछ बच्चे शुतुरमुर्ग का अंडा भी बोल रहे हैं। बेटा शुतुरमुर्ग का अंडा क्या हमारे शरीर में पाया जाता है क्या? मैंने आपसे प्रश्न पूछा है हमारे शरीर की बताओ सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। अब जरा ध्यान से देखो सारे स्टूडेंट्स, आप सभी के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अभी यहीं रोको। अब जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, कोई भी एग्जाम बेटा आप देने जाओ प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। बस 5 मिनट के लिए बोर्ड पर फोकस आपको करना होगा। जरा ध्यान से देखें, आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका पर डिस्कशन करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखें। चूंकि आप लोग स्क्रीनशॉट को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी लेंगे और अगर मेरी बात को नहीं सुनेंगे तब आप परीक्षा में प्रश्न को गलत करके आएंगे, क्योंकि कैसे उत्तर करना है यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो पहले स्क्रीनशॉट लें फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे उत्तर देना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अब फोकस करें बोर्ड पर, समझने का प्रयास करें। सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका पर चर्चा हम करेंगे।
सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी जीव दुनिया में पाया जाता है, जितना भी जीवन इस दुनिया में है उसमें सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो पूरी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में जो स्मॉलेस्ट सेल दोस्तों है वो होती है माइकोप्लाज्म। ये एक बैक्टीरिया की सेल है, ये एक बैक्टीरिया की सेल होती है माइकोप्लाज्म, जिसका आकार कितना होता है 0.2 से लेकर 0.4 माइक्रोन। एक माइक्रोन बराबर बेटा होता है 10^-3 mm। ध्यान रखेंगे, एक माइक्रोन इज इक्वल टू 10^-3 mm। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, तो उत्तर क्या होगा, सबसे छोटी कोशिका दोस्तों होती माइकोप्लाज्म, पहला प्रश्न बनेगा। फिर ध्यान से सुनिए, अगर आपसे पूछा कि इस दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, अगर आपसे पूछा कि सबसे बड़ी कोशिका बताइए और कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा सबसे बड़ी कोशिका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सेल, अभी ह्यूमन बॉडी की चर्चा नहीं चल रही है, अभी उसने कहा सबसे बड़ी कोशिका बताओ, तो सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों जो लार्जेस्ट सेल होती है, लार्जेस्ट सेल होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। काफी बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, एक अंडे में पेट भर जाएगा, इतना बड़ा अंडा होता है दोस्तों। शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार होता है 10×7 cm। तो सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया की माइकोप्लाज्म कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। यह तो थी ओवरऑल बहुत पूरे वर्ल्ड की बात। अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, अब मानव के शरीर की बात कर लेते हैं कि मानव के शरीर में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो आप जरा ध्यान से मुझे सुने, सभी स्टूडेंट ध्यान से मुझे सुनिएगा, ईश्वर का करिश्मा देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि सबसे छोटी जो कोशिका है वो पुरुष के शरीर में पाई जाती है। देखो जब भी मानव बोला जाता है पहले कुछ बेसिक चीजों पर वर्क करो, जब भी मैं मानव बोलता हूं इसका मतलब स्त्री पुरुष दोनों होता है, ऐसा नहीं है मानव मतलब केवल पुरुष होगा, मनुष्य का मतलब स्त्री भी है पुरुष भी है, स्त्री जाति पुरुष जाति दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, मनुष्य जाति बोला जाता है। तो दोस्तों अब ईश्वर का करिश्मा देखिए, जो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है वो पुरुष में पाई जाती है, और मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो स्त्रियों में पाई जाती है। कितनी शानदार संरचना यहां पर है कि दोस्तों आप पुरुष कहते हैं कि नहीं हम तो बड़े हैं, तो पुरुषवादी समाज में जो जी रहे हैं उनके शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, उनके शरीर में सबसे छोटी कोशिका है भैया, और स्त्रियों के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, और ये दोनों ही वही कोशिका है जो मिलकर एक नए जीवन का निर्माण करती है। ध्यान से सुनेंगे मुझे, अगर प्रश्न बने मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्पर्म सेल, अर्थात शुक्राणु कोशिका। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु कोशिका। अगर प्रश्न बने मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु कोशिका, अर्थात ओबम सेल। ओबम सेल मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। एक एक देखो, हंसने हंसने पर ध्यान मत दो, एक एक पॉइंट पर दोस्तों प्रश्न को पकड़ो, एक शब्द आपका पूरा प्रश्न पूरा सिलेक्शन लेके डूब जाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स यहां पर ऐसे हैं जो कमेंट करके बोलते हैं सर मैं लगातार दो बार से एक नंबर से ऐसा ही रुक रहा हूं, तो आप अगर किसी क्लास को ध्यान से सुन लेंगे तो वो आपका एक नंबर नहीं जाएगा। ध्यान से प्रश्न को सुने, बहुत कॉम्प्लिकेटेड यहां से प्रश्न बनता है। प्रश्न ध्यान से फिर से सुनिए, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म सेल अर्थात शुक्राणु कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका अर्थात ओबम सेल। अब प्रश्न यहां से बदलेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न बनाएगा, तो प्रश्न क्या पूछेगा ध्यान से सुनो, प्रश्न आपसे पूछेगा, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से मुझे सुने और इस प्रश्न का उत्तर दें, जो स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर देगा वो वास्तव में बहुत जीनियस स्टूडेंट है, जल्दी से मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें, प्रश्न को केयरफुली सुने, आर यू रेडी, चलो प्रश्न को सुनोगे, पुरुष के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताइए, पुरुष के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए, लार्जेस्ट सेल ऑफ मेल बॉडी, मेल अर्थात पुरुष के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। सभी स्टूडेंट्स मुझे ध्यान से उत्तर देंगे, आशीष वर्मा जी आर यू, लड़कियों का दिल, फालतू की बकवास नहीं कहेंगे सर,
लोग कंसंट्रेशन नहीं करते हैं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन को ऑफ करके आप सीधा फोकस करेंगे पढ़ने पर, ध्यान रखना। इशिका राजपूत जी, स्पर्म सेल, मैंने कहा है प्रश्न को ध्यान से सुने बेटा, पुरुष के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मैं पूछ रहा हूं, जल्दी से उत्तर दें, आरबीसी। बहुत बढ़िया बेटा, देखो एक भी स्टूडेंट ने अभी तक सही से उत्तर नहीं दिया है, ऐसा ही प्रश्न आएगा बेटा। सिलेक्शन का जो रेशो है, 1000 में से एक विद्यार्थी का सिलेक्शन होना है अंडाणु कोशिका। अरे गधे, अंडाणु तो केवल स्त्रियों में पाया जाता है पगले, ये देख ध्यान से यहां पर, अंडाणु किसमें होता है? स्त्रियों में। और स्पर्म केवल, शुक्राणु किसमें होता है? केवल पुरुष, केवल पुरुषों में होता है। अंडाणु पुरुषों में नहीं पाया जाता बेटा, और शुक्राणु महिलाओं में नहीं पाया जाता है। मेरा प्रश्न है पुरुष के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, फंस गए ना आप, फंस गए आप। अब जरा ध्यान से सुनो मुझे, ध्यान से। हाँ अब बेटा अंतराना चालू हुए, अब जरा ध्यान से सुनो, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। पुरुष के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन सेल, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों? अगर वो आपसे प्रश्न बनाए कि सबसे बड़ी कोशिका बताओ, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका, पुरुष के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अब उत्तर आया पुरुष के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। बच्चे ने कहा कि सर मैंने तो पढ़ा था कि सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य के शरीर में अंडाणु होती है, लेकिन परीक्षा प्रश्न बनाने वाले ने पूछ लिया कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका नहीं, मानव पुरुष के शरीर की। बच्चे ने सोचा कि सर ये अंडाणु पुरुषों में तो नहीं पाया जाता, फिर आप ये बताओ कि अंडाणु के बाद दूसरी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो बेटा न्यूरॉन सेल होती है। न्यूरॉन सेल तंत्रिका तंत्र की कोशिका पुरुषों में भी होती है, महिलाओं में भी होती है, क्योंकि अंडाणु पुरुषों में तो नहीं पाए जाते हैं। अगर प्रश्न बने कि मनुष्य पुरुष के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो चूंकि पुरुष के शरीर में अंडाणु नहीं होते हैं, इसलिए पुरुष के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हम किसे उत्तर देंगे? न्यूरॉन सेल को उत्तर देंगे। इज दैट क्लियर? न्यूरॉन सेल को उत्तर देंगे, समझ पा रहे हो? चलो एक और प्रश्न का मुझे आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ वुमन, जल्दी से उत्तर करेंगे, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ वुमन। सर फीमेल बॉडी की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? इसी का राजपूत जी, यही मेरा प्रश्न है बेटा। जल्दी से आप पहले उत्तर दो, फिर मैं बताऊंगा। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ वुमन बॉडी, वुमन के या फीमेल के शरीर की सबसे छोटी कोशिका बताइए, फीमेल के शरीर की सबसे छोटी कोशिका बताइए। अगर थोड़ा सा आप में दिमाग है तो बोर्ड पर उत्तर लिखा है पगले, देखकर बता सकते हो, आरबीसी। बहुत बढ़िया बेटा, अब आप समझ गए हो, आरबीसी उत्तर आएगा। देखो जरा ध्यान से, कैसे फोकस करो बेटा बोर्ड पर, बोर्ड पर फोकस करेंगे, जल्दी से देखेंगे बोर्ड पर, बोर्ड पर फोकस करिए सभी लोग। उसने कहा मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो उत्तर है शुक्राणु, लेकिन उसने कहा महिला के शरीर की सबसे छोटी कोशिका। बच्चे ने सोचा कि सर शुक्राणु तो महिला में होता ही नहीं है, फिर आप मुझे ऐसी कोशिका बताएं जो शुक्राणु से थोड़ी सी बड़ी हो और स्त्री पुरुष दोनों में पाई जाती हो। तो दोस्तों वो क्या है? आरबीसी है। आरबीसी अगर प्रश्न बने महिला के शरीर की सबसे छोटी कोशिका बताओ, तो आरबीसी। कहने का आशय दोस्तों इतना सा है कि सबसे छोटी कोशिका में आपको दो नाम याद रखने हैं। कौन कौन से दो नाम? सबसे छोटी कोशिका में एक तो याद रखेंगे शुक्राणु, एक याद रखेंगे आरबीसी। अगर शुक्राणु विकल्प में ना मिले तो आरबीसी लगाएं। अगर मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछे शुक्राणु लगाएं, अगर मनुष्य की जगह स्त्री पूछ ले आरबीसी लगाएं। सबसे बड़ी कोशिका में भी दो नाम याद रखें, एक रखेंगे ओवम, एक रखेंगे क्या? न्यूरॉन सेल अर्थात तंत्रिका तंत्र की कोशिका। न्यूरॉन मतलब तंत्रिका तंत्र की कोशिका। अगर वो पूछे मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, तो उत्तर हो जाएगा अंडाणु। अगर पूछ ले पुरुष के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो फिर उत्तर क्या लगाएंगे? न्यूरॉन सेल। इज दैट क्लियर? क्या अभी तक क्लियर है? समझ पाए हो कैसे उत्तर करना है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझ गए हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, एक प्रश्न और बनता है, एक प्रश्न और बनता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? दोस्तों जरा ध्यान से सुने, आज हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, क्लास को बहुत आगे तक ले जाएंगे हम, तो बिल्कुल घबराए ना, एक एक छोटी छोटी चीज को पकड़ते हुए चलेंगे। दोस्तों हमारा हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि जो टॉपिक क्लास में कवर किया गया है उस टॉपिक से कोई भी प्रश्न मने आपसे ना छूटना पाए, आपसे छूटने ना पाए, तो सभी प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि सबसे लंबी कोशिका बताओ, लॉन्गेस्ट सेल, ध्यान रखेंगे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट,
अंग्रेजी वाले सर ने आपको पढ़ाया होगा कि दो अलग अलग वर्ड है, एक होता है लार्जेस्ट, एक होता है लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट मतलब बड़ा, लॉन्गेस्ट मतलब कि लंबा। तो सबसे लंबी कोशिका मनुष्य के शरीर की कौन सी है, जल्दी से उत्तर करके बताएं। बहुत बढ़िया, सुभाष जी, ममता जी, रजनेश जी, रंजी जी, कविता जी, विशाल जी, आरती जी, मेघा जी, नीलम जी, अजय जी, एकलव्य जी, जितेंद्र जी, सुभाष जी, वर्षा जी, सिगार जी, रिंकू जी, शिल्पी जी, भुवनेश्वर जी, अनुज अलाबा जी, पूजा जी, सभी का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है मनुष्य के शरीर की, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन सेल होती है, अर्थात तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार प्रश्न पूछा गया, बहुत व्यवहारिक प्रश्न, जरा ध्यान से सुने। प्रश्न की भाषा क्या थी, एनडीए या सीडीएस वगैरह का प्रश्न था। प्रश्न की लैंग्वेज क्या थी, जरा ध्यान से सुनिएगा मुझे। प्रश्न की लैंग्वेज थी, एक बच्चा अपने आहार में, ध्यान से प्रश्न को सुनेंगे, प्रश्न की लैंग्वेज को आप पकड़िएगा, प्रश्न की लैंग्वेज को पकड़े, कितना शानदार प्रश्न है। सीडीएस या एनडीए वगैरह में पूछा गया था प्रश्न, आप सुनेंगे फिर उत्तर देंगे। एक बालक अपने नाश्ते में कुछ आहार ग्रहण करता है। जब उसके पिता द्वारा पूछा जाता है कि बेटा आपने नाश्ते में क्या खाया, तो वो उत्तर में कहता है एक कोशिका। तो बच्चे ने क्या खाया, पहला विकल्प अंडा, दूसरा विकल्प दूध, तीसरा विकल्प मांस, चौथा विकल्प चावल। ध्यान से सुन रहे हैं प्रश्न को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ओवम, सबसे छोटी स्पर्म, डेफिनेटली पुरुष में सबसे बड़ी न्यूरॉन, सबसे छोटी स्पर्म, डेफिनेटली फीमेल में सबसे बड़ी, सबसे छोटी, और एनिमल्स में सबसे, बिल्कुल डेफिनेटली तन्मय बागी जी आप समझ चुके हैं। प्रश्न है, एक बालक ने नाश्ते में कुछ आहार लिया, उसके पिता द्वारा पूछा गया कि बेटा नाश्ते में आपने क्या लिया, बालक ने उत्तर दिया कि पिताजी नाश्ते में मैंने एक कोशिका खाई। तो बच्चे ने क्या खाया, पहला विकल्प दूध, दूसरा विकल्प अंडा, तीसरा विकल्प है मांस, चौथा विकल्प है चावल। तो दोस्तों बच्चे ने क्या खाया, अंडा खाया। अर्थात मैं कहने का आशा यह है कि सभी पक्षियों का जो अंडा है वो अपने आप में एक कोशिका है। तो जब भी आप अंडा खाने जाएं, कोई आपसे पूछ ले कि क्या खाने जा रहे हो, तो उसको कहिए मैं एक कोशिका खाने जा रहा हूं, सिंगल कोशिका। वो पूछे किस जीव की कोशिका खाने जाओगे, तो उससे बोलना मैं मुर्गी की कोशिका खाने जा रहा हूं, क्योंकि मुर्गी का अंडा हो, चाहे शुतुरमुर्ग का अंडा हो, किसी भी पक्षी का अंडा हो, वो अपने आप में एक कोशिका होता है। बात क्लियर है? चलो, तो ये प्रश्न पूछा गया था एक बार आर्मी जीडी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि मुर्गी का अंडा क्या है। तो मुर्गी का अंडा अपने आप में एक सिंगल कोशिका होता है। इज दैट क्लियर? चलो, सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं कि पक्षियों का अंडा अपने आप में एक कोशिका होता है। चलिए, अब दोस्तों आज की क्लास में हम फैक्चुअल चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, हम बहुत ही कंसेप्चुअल चीजों पर जाएंगे। ये टॉपिक बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत ही व्यवहारिक चीजें आपको सिखाएगा, आपकी आंखों के सामने से पर्दा भी ये टॉपिक हटाएगा। आपको पता लगेगा कि सुबह से घूमना क्यों जरूरी है, भारतीय सभ्यता में सुबह से उठकर योग क्यों किया जाता था, पेड़ पौधों को पानी क्यों दिया जाता था, हम हवन क्यों करते थे। इन सब बातों के उत्तर आपको इस कोशिका विज्ञान वाले चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो कंसेप्चुअल चीजों पर चर्चा होगी, पहले कुछ और फैक्चुअल चीजों पर चर्चा करते हैं। अब वो प्रश्न बनाएगा, आगामी क्लास में मैं आपको कोशिका विभाजन पढ़ाऊंगा, कोशिका विभाजन हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। प्रश्न पूछता है, सबसे तेज कोशिका विभाजन किन कोशिकाओं में होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे तेज सेल डिवीजन होता है लीवर की कोशिकाओं में, अर्थात यकृत की कोशिकाओं में। यकृत हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो रीजनरेट हो सकता है, जिसका जिसमें क्या होती है, पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, अपने शरीर का आधा लीवर किसी को डोनेट कर सकते हैं। अगर किसी का लीवर खराब हो जाता है तो कई बार उसके शरीर का आधा लीवर काट के अलग कर दिया जाता है, वो आधा लीवर बचता है, बाकी का आधा फिर से बन जाता है। क्योंकि सबसे तेज कोशिका विभाजन किस अंग में होता है, तो दोस्तों उत्तर है यकृत। अभी हाल ही में मेरे एक दोस्त के पिताजी का लीवर का ऑपरेशन हुआ, उनके लीवर को वन थर्ड काटकर अलग कर दिया गया, और वो फिर से क्या हुआ, अभी एक डेढ़ माह हो गया है, तो फिर से वो क्या हुआ होगा, फिर से रिजनरेट हुआ होगा। क्योंकि सबसे तेज कोशिका विभाजन किस अंग में होता है, तो दोस्तों है यकृत में, अर्थात लीवर की कोशिकाओं में। इसलिए लीवर ही एकमात्र अंग है जिसमें पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। अब चलो अगला प्रश्न बनेगा कि सबसे कम कोशिका विभाजन
कब से कम या कोशिका विभाजन नहीं होता, किन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता या सबसे कम होता है, ध्यान से सुनिएगा, किन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता। तो दोस्तों न्यूरॉन कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका अर्थात न्यूरॉन सेल्स कहां पाई जाती हैं, आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में पाई जाती हैं न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स में सेल डिवीजन नहीं होता है, न्यूरॉन सेल्स में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए तो कहा जाता है आपसे कि हेलमेट पहनकर गाड़ी चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि बॉडी के किसी भी पार्ट पर अगर चोट लग जाएगी तो सेल डिवीजन के द्वारा वो चोट भर सकती है, लेकिन अगर मस्तिष्क में चोट लगी और अगर न्यूरॉन सेल हुई तो ब्रेन हेमरेज होगा और डेथ हो जाएगी और मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि न्यूरॉन कोशिका में, तंत्रिका तंत्र की कोशिका में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है कि कोशिका का पुनर्निर्माण हो सके। जो कोशिका का पुनर्निर्माण ही नहीं होता है और अगर आपके ब्रेन में आपकी न्यूरॉन सेल डैमेज हो गई तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए कहा जाता है कि कहीं और चोट लगेगी आप बच जाओगे, हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाओ ताकि ब्रेन में चोट ना लग सके, ताकि न्यूरॉन सेल डैमेज ना हो सके। इज दैट क्लियर? चलो, तो ये तो बहुत फैक्चुअल चीजों पर हमने चर्चा की, अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कोशिका के प्रकार, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम दोस्तों कोशिका के प्रकार पर चर्चा करते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो दोस्तों हम देखेंगे कोशिका कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सेल पर चर्चा करेंगे। ध्यान से दोस्तों समझते हुए चलिएगा, टाइप्स ऑफ सेल पर चर्चा करते हैं कोशिका के प्रकार। तो दोस्तों कोशिका को मैं दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकता हूं, कोशिका को मैं दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकता हूं। कैसे? पहले तो दोस्तों कोशिका का वर्गीकरण मैं करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट अर्थात विकास के आधार पर। बिल्कुल बढ़िया, लव यू टू बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, कोशिका का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, आराम से पढ़ो, बिल्कुल लोड मत लो दिमाग पे, बहुत आराम से चीजों को चलने दो। कोशिका का क्लासिफिकेशन, कोशिका के प्रकार पढ़ रहे हैं, पहला प्रकार पकड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ विकास, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट विकास के आधार पर। दूसरा में पढ़ना है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और विकास के आधार पर, दो प्रकार से हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन और ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, दो प्रकार से दोस्तों हम कोशिका को क्लासिफाई करते हैं। विकास के आधार पर कोशिका को दो प्रकार से, दो भागों में बांटा जाता है। एक दोस्तों होती है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक सेल। विकास के आधार पर कोशिका दो प्रकार की। कोई अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो आपको उत्तर देना है कि सर कोशिका दो प्रकार की होती है, एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। दोस्तों यहां पर जो प्रो होता है, यहां पर प्रो का मतलब दोस्तों क्या होता है, एब्सेंट अर्थात अनुपस्थित, और कैरियोटिक का मतलब दोस्तों होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक का शाब्दिक अर्थ क्या निकाला जा रहा है, न्यूक्लियस। तो प्रो मतलब एब्सेंट और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, अर्थात न्यूक्लियर एब्सेंट अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है उन्हें कहते हैं दोस्तों कौन सी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो आप समझ ही चुके हो यूकैरियोटिक क्या है, यू मतलब होता है प्रेजेंट, ईयू मतलब होता है प्रेजेंट और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पाया जाएगा उन्हें क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल। तो आप खुद ही बताओ क्या मनुष्य के शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें केंद्रक होता है, डेफिनेटली होता है, मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में केंद्रक होता है। तो मनुष्य किस प्रकार का जीव है, मनुष्य किन कोशिकाओं से मिलकर बना है, मनुष्य यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। इज दैट क्लियर? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, अभी कुछ दिन की क्लास के बाद मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन, तब सभी प्रकार के जीवियों पर, सभी प्रकार के जीवों पर डिटेल में चर्चा होगी कि मोनेरा क्या होता है, प्रोटेस्टा क्या होता है, प्लांट क्या है, फंगई क्या है, अमीबा क्या है, पैरामीशियम क्या है, सब पर डिटेल में चर्चा होगी। अभी के लिए इतना जानो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कौन से जीव आते हैं, मोनेरा। मोनेरा ग्रुप किसके अंतर्गत आता है, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। बच्चे ने कहा सर मोनेरा में कौन कौन से जीव आते हैं, तो मोनेरा में बेटा आता है एक तो बैक्टीरिया, मोनेरा में एक तो आता है बैक्टीरिया, दूसरा दो तो दोस्तों आता है ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नील हरित शैवाल, किसके अंतर्गत आता है, मोनेरा के अंतर्गत। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पाया जाएगा उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर दोस्तों क्या क्या आता है, प्रोटेस्टा। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है प्रोटेस्टा, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों प्लांट अर्थात पादप, पेड़ पौधे। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है क्या, फंगई अर्थात कवक। प्रोकैरियोटिक के अंदर दोस्तों आता है एनिमल,
एनिमल अर्थात जंतु भी किसके अंतर्गत आते हैं? यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, सॉरी यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के अंतर्गत प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगई और एनिमल, सॉरी यूकैरियोटिक के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत क्या आता है? मोनेरा। मोनेरा तो जिसमें केंद्रक नहीं उसे कहेंगे प्रोकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक होता है उसे क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। इज दैट क्लियर? चलो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आज की चर्चा करेंगे दोस्तों, कोशिका को हमने एक प्रकार से और बांटा है, कोशिका को हम उत्पत्ति के आधार पर भी बांट रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा है, पहले को मैं कहता हूं एम्ब्रायोनिक सेल, दूसरे को मैं कहता हूं एडल्ट सेल। पहले को मैं कहता हूं दोस्तों भ्रूणीय कोशिका, दूसरे को दोस्तों मैं कहता हूं वयस्क कोशिका। अब ये भ्रूणीय कोशिका और वयस्क कोशिका क्या है जरा ध्यान से सुनो, भ्रूणीय कोशिका वयस्क कोशिका क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब पिता से स्पर्म सेल, माता से ओवम सेल, पिता से स्पर्म सेल, माता से ओवम सेल दोनों आकर जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट 72 घंटे बाद भ्रूण में बदल जाता है। पिता से आती है शुक्राणु कोशिका, माता से आती है अंडाणु कोशिका, दोनों आपस में मिलते हैं, बनाते हैं जायगोट। जायगोट 72 घंटे बाद क्या बन जाता है? भ्रूण। तो मान लीजिए कि भ्रूण बन गया, भ्रूण बनने के 15 दिन पहले तक, अर्थात जिस दिन भ्रूण बना है उस दिन से लेकर 15 दिन तक मां के गर्भाशय से जो भी कोशिका उठाई जाएगी उसे क्या कहेंगे? भ्रूणीय कोशिका कहेंगे। अर्थात भ्रूण बनने के 15 दिन तक प्राप्त की गई कोशिका क्या कहलाएगी? भ्रूणीय कोशिका। और भ्रूण बनने के 15 दिन बाद प्राप्त की गई कोशिका क्या कहलाएगी? वयस्क कोशिका, अर्थात एडल्ट सेल कहलाएगी। इज दैट क्लियर? तो भ्रूण बनने के 15 दिन पहले जो हम प्राप्त करें उसे कहते हैं भ्रूणी कोशिका, भ्रूण बनने के 15 दिन बाद करें उसे कहते हैं वयस्क अर्थात एडल्ट कोशिका। दोस्तों इन दोनों का बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा योगदान है। जो हमारी एम्ब्रायो सेल होती है इसमें इतनी क्षमता पाई जाती है कि इससे शरीर का कोई भी अंग बनाया जा सकता है, लेकिन इसे प्राप्त नहीं किया जाता क्योंकि मेडिकल एथिक्स की कुछ चुनौतियां सामने आ जाती हैं इस वजह से। लेकिन याद रखें, आपसे पूछे भ्रूण बनने के 15 दिन पहले तक ली गई कोशिकाओं को क्या कहते हैं, उत्तर क्या होगा? एम्ब्रायो सेल। 15 दिन बाद की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, उत्तर क्या होगा? एडल्ट सेल। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सारे फैक्चुअल एस्पेक्ट्स पर चर्चा की है। कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास से हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, हम सेल ऑर्गन्स पर चर्चा करेंगे। कल की क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे सेल थ्योरी के बारे में बताएंगे, अर्थात कोशिका थ्योरी के बारे में आपको बताएंगे, कोशिका सिद्धांत के बारे में आपको बताएंगे। तो कल हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे, फिर सेल के अंदर के ऑर्गन पढ़ेंगे। हम आपको बताएंगे दोस्तों आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, हमारे शरीर का पावर हाउस किसे कहते हैं, इन सब चीजों पर कल की क्लास में चर्चा होगी। कल की क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आशा है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सभी लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस में वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों इसी आशा के साथ मैं शिवम अग्रवाल आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।